हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म 24, जहां मैं आज बात करने वाला हूं सेम सेक्स लव स्टोरी द मैरिड वुमन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वेब सीरीज है आपको 8 मार्च 2021 से एएलटी बालाजी एंड G5 पे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये आप देख करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आई थिंक आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाले हो, तो दिल थाम के बैठो। आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, तो आप अच्छे से सुनना और इसके बाद आप अपना टाइम को जहाँ भी वेस्ट करना हो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है आपको 10 एपिसोड का 28-30 मिनट का मिलेगा और इसे प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एएलटी बालाजी एंड G5 के द्वारा है। फ्रेंड्स, इसके लीड रोल में रिद्धि डोगरा, मोनिका डोगरा, इमादिन शाह और सुहाज अनुजा और अय्याज रजा हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी अच्छे रोल प्ले किए हैं, लेकिन इसमें कुछ जो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने ओवर एक्टिंग की दुनिया में महारत हासिल की है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देखना और ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और मैं बता दूं कि इसे डायरेक्ट किया है बालाजी सिंह चद्दा ने और रिटर्न किया है अपर्णा नेगी ने। फ्रेंड्स, इसे लिखा बहुत ही अच्छा गया है, बिकॉज इसकी अगर एवरेज ड्यूरेशन अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में देखा जाए तो आपको बहुत ही वेल रिटेन और वेल मेंटेन आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू थर्ड टू लास्ट ये सीरीज को पूरा का पूरा रबड़ की तरह खींचने की कोशिश की गई है, बिकॉज इसमें जो बाइसेक्सुअल लेस्बियन सेक्स जो दिखाया गया है वो आपको देखने में अजीब सा लगे, नो केमिस्ट्री नो एनीथिंग, बिकॉज रिद्धि डोगरा और सुहास आहूजा जो कि उसके हस्बैंड है वो टॉयलेट सीट्स के बारे में, मतलब ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि उनके बीच की केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है, पूरी की पूरी रद्द हो चुकी है। और वहीं पर रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा जो कि एक बहन की जैसी इसमें आपको नज़र आने वाली है और उन लोगों के बीच में जो है लेस्बियन सेक्स के बारे में बात होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस सीरीज़ को देखो और आई थिंक कि आपको एंड में ज़रूर पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट सीरीज़ भी आने वाला है। तो आप लोग देख करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। जय हिंद।